Hello everyone, welcome to another video from Your Tech Today. So it's about 9:15 PM and Sharmaji Technical has just landed in Bangalore, and it's been more than 1 year that he has left Bangalore, and so I haven't met with him. I'd met him when he had reached 50,000 subscribers, and now he's close to almost 500,000. So he just came for a day to Bangalore for some event, and I contacted him and I told him that it will be nice if we can meet up. So I'm going to meet him at his hotel. So I think he would have reached the hotel by now. Today the traffic doesn't seem to be much and it's raining in Bangalore. It's pretty cool. It's really nice of him that so late in the night also, he must be tired from all the traveling. Still, he is ready to meet me. So let's go there and meet him and see what happens. So guys, I've reached Sharmaji's room in the hotel, and the room looks really nice and he's working over there. I don't really want to disturb him, so we will be talking to him very soon. So once he finishes his work, then we'll talk to him for some time. तीन की टिकड़ी लगा दी, चार का चौका लगा दिया, यानी कि 3 GB और 4 GB जैसे प्लान आपको डेली के मिल रहे हैं यहाँ पर. और यहाँ पर जो है वोडाफोन ने में निकाला है 6 रुपए के अंदर 1 घंटे का अनलिमिटेड इंटरनेट पैक. जी हाँ, रात को आप इसको यूज कर सकते हैं. बोलते हैं कि सुपर नाइट वैल्यू यहाँ पर पैक मिलता है. और भी प्लान निकाले यहाँ पर 29 रुपीज का है पूरे दिन के लिए. जी हाँ, टेक न्यूज इज गेटिंग एडिटेड राइट नाउ, सो आई गेस आई एम द फर्स्ट वन टू हियर टुडेज टेक न्यूज लाइव फ्रॉम नन अदर देन Sharmaji Technical. That is a very unique experience. I saw it recording, I had them set it up, and now it's going to go live in some time. So that's a unique experience. हाँ जी बादशाह, की हाल चाल थोड़ा? तो हम पहुंच गए शर्मा जी के पास फाइनली, और वो हमारे पास एक्चुअली पहुंच गए. हमें तो सिर्फ 15 मिनट लगे इस होटल तक आने के लिए. तो शर्मा जी कैसा लग रहा है बैंगलोर आके 1.5 साल के बाद? ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है. ठंडा ठंडा कूल कूल. बहुत गर्मी में झुलस के आया था पिछले 413 दिनों से, और आज वापस आके सुकून मिल रहा है. बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है. देखते हैं कि सुकून कब कब हमको और जो है मिल सकता है. आज जयदीप से मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है. पुरानी यादें ताजा हो गई हैं. पहली बार जब आए थे ढूंढते ढूंढते कैसे कैसे करते, और फिर हमने जो है वो मीटअप छोटा सा वीडियो बनाया था. काफी सारी यादें आज जो वापस से ताजा हो गई हैं. और बहुत जल्दी 500,000 पहुंचने वाले. उस टाइम 50,000 पे पहुंचे थे शर्मा जी. तो अगेन कांग्रेचुलेशंस. इतना बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सबका प्यार और सपोर्ट है, वरना हम इस नाचीज को कौन जानता है. सब जानते हैं आपको. तो और शर्मा जी बताइए, 1 साल में आपने दिल्ली क्यों शिफ्ट किया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरे दिमाग में एटलीस्ट. और दिल्ली जाके आपको क्या लगा डिफरेंस बैंगलोर के हिसाब से? दिल्ली जाने का मेन कारण ये था कि मोस्टली जो 90% इवेंट्स होते हैं वो दिल्ली में होते हैं. खुदा नखास्ता कभी कभी बैंगलोर में इवेंट कर लिया करो तो हमको आने का मौका मिलता है. मोस्टली क्या होता है, ट्रैवल करना पड़ता है, और कंपनीज जो हैं वो इतना खर्चा नहीं करती हैं. वो कहते हैं सुबह आओ शाम को जाओ, होटल का स्टे नहीं देती जैसे आज यहाँ पर दिया है. तो एक लेवल पे आने का मिल जाता है, लेकिन सुबह आओ शाम को जाओ कुछ काम नहीं कर सकते हम, ना कोई वीडियो बन पाती है, आप लोगों को फिर इतनी वीडियो नहीं मिल पाती है. इसीलिए मैंने जो है वो कहा यार दिल्ली चलते हैं. बैंगलोर में हमारे लोग नहीं है, हमारी भाषा नहीं है, वो कनेक्शन नहीं मिल पाता है. इसीलिए जो दिल्ली में शिफ्ट किया था. और गर्मी थी ज्यादा, मुझे पता था. एक बार मैंने स्टेटस भी डाला था 2011 के अंदर कि भगवान नरक में भेज देना लेकिन दिल्ली मत भेजना. तो फेसबुक पे जब मैंने वो दोबारा देखा तो मैंने शेयर भी किया था कि मैं क्या, देखो जो हम नहीं चाहते ना भगवान वही करने को तैयार रहता है. और दिल्ली जाने के बाद जो काफी सारे चेंजेस आए हैं, काफी सारी ग्रोथ हुई है हमारी. आप देखो 50,000 लगभग 77,000 रुपए थे जब मैं मई में गया था, और उसके बाद आप देख लीजिए आज 4,70,000 के आसपास में हुए हैं. तो आप सबका प्यार और सपोर्ट मिला है. बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिला, जुड़ने का मौका मिला, बहुत सारी कंपनी से मिले हम, और बस आपका प्यार है इतना कि आज हम यहाँ बैठे फिर से एक बार. इतने सारे क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था सब्सक्राइबर्स से कि कोई क्वेश्चंस भेजिए, बट ये ऑल ऑफ द सडन हुआ तो मुझे टाइम नहीं मिला सोचने का भी क्वेश्चंस का. सो जो मेरे क्वेश्चंस थे वो मैंने क्लियर कर लिया शर्मा जी से, और वो हम ऑलमोस्ट 2 घंटे से बात कर रहे हैं जब वो टेक न्यूज रिकॉर्ड कर रहे थे. तो आप लोग जो सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल खोल लें और इमिडिएटली पैसा बनना शुरू हो जाएगा और ये जॉब ईजी है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने देखा कि कितना हार्डवर्क जाता है. मैं तो जितना करता हूँ वो करता हूँ, बट असली जो हार्डवर्क है वो शर्मा जी और इनके लेवल के जो यूट्यूबर्स करते हैं, इसीलिए वो इस लेवल पे पहुंचे हैं. तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे शर्मा जी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको, कि कितना हार्डवर्क जाता है एक यूट्यूब चैनल चलाने में? देखो काम कोई भी हो, हर काम करने मेहनत बहुत लगती है. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा. तो किसी जब बड़े बुजुर्गों ने कुछ कहा है कि मेहनत करो और फल जरूर मिलता है, तो बस वही है. आप मेहनत करते रहो, ये मत देखो कि
इतना हो गया, तो आप लेवल मत मापो, बस आप कर्म करो, फल जरूर मिलेगा, वो सब है। और YouTube आजकल जो है इतना कंपटीशन ज्यादा हो गया कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, वरना कोई आपके आगे जो है वो निकल जाएगा। और ये कोई इजी तरीका नहीं है पैसा बनाने का जो लोग। YouTube अब आज की तारीख में तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर आप एक साल या 2 साल पहले सोचते तो हो सकता था, लेकिन आज की तारीख में तो YouTube बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। दुनिया भर के नए नए रूल्स पॉलिसीज आ गई हैं, आप हर कोई चीज़ बना नहीं सकते हो, हर कोई चीज़ लगा नहीं सकते हो, कॉपी हो जाता है, डुप्लीकेसी हो जाती है, तो बहुत टफ हो गया आज की तारीख में YouTube। अब बनाओ, एज ए पैशन बनाओ, अपनी चीज़ें शेयर करो, पैसा कमाने के लिए मत सोचो। अगर आप पैसा कमाने के लिए सोचोगे तो आप कभी YouTube नहीं कर सकते। तो शर्मा जी, आप यहाँ पे फ्रीडम पार्क में मीटअप कर रहे हैं, बट मुंबई में कहाँ पे होगा आपका मीटअप? मुंबई में होगा नरीमन पॉइंट के ऊपर, बेसिकली मैं वहीं आसपास में कहीं स्टे करने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह की वॉक भी हो जाएगी और शाम की वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि मुंबई और दिल्ली की गर्मी बड़ी भयंकर है। मुंबई गर्मी भी देखी है मैंने, तो मुंबई गर्मी में शाम को मीटअप करना है, दोपहर को मीटअप करना पॉसिबल ही नहीं है, तो मोस्टली शाम को 6 बजे के बाद में होगी, और सुबह सुबह जो है वो 7-8-9 बजे, 7-8-9 बजे, 6-7 बजे होगी, उसके बाद तो गर्मी बहुत है भाई साहब मुंबई में। गर्मी का बहुत इशू है बिल्कुल। एक्सेप्ट बैंगलोर में। तो शर्मा जी, अगर जैसे आप इतना ट्रैवल करते हैं, यू नो, इवेंट्स पे जाते हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ें, ऑब्वियसली आप अपना सारा गियर तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं, जो गियर आप यूज़ करते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं या अपना काम करने के लिए, वो क्या क्या है? देखो, अगर मैं लॉन्ग टर्म जैसे आज की तारीख की बात करूँ, आज मैं अगर निकला हूँ तो बैंगलोर और मुंबई के लिए तो काफ़ी सारा सामान लेके आया, आप देख ही रहे हो यहाँ पे, लगभग सारा सामान ही है मेरे पास में, लैपटॉप है, कैमरा है, ट्राइपॉड है, स्टैंड लाइट सब कुछ है। लेकिन जैसे नॉर्मल दिल्ली में कोई इवेंट होता है, डे इवेंट होता है, वहाँ पे तो मैं अपना कैमरा लेके चला जाता हूँ, कोई भी जो भी बढ़िया कैमरा वाला होता है, बस वीडियो रिकॉर्ड करो, ऑफिस में ला के उसको वॉइस ओवर कर दो, या अगर वही रिकॉर्डिंग ऐसे है तो वही लगा दो, क्योंकि हम तो वही लोग हैं जिन्होंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर करके साल बिता दिया और 50 सब्सक्राइब कर लिए, तो हमको शर्म नहीं आती कि DSLR है या क्या है, तो हम अपना मोबाइल उठाते हैं, क्योंकि मोबाइल ही आपका जो है आज की तारीख में कैमरे का काम करता है, तो बस उठाया बनाया, लैपटॉप लेके जाते हैं साथ में, ताकि रास्ते में वापस आते एडिटिंग भी कर लें हम, और नहीं तो कोई बात नहीं ऑफिस में कर लेंगे। तो कोई स्पेशल लैपटॉप है जो आप यूज करते हैं क्या, आपका डेली जो लैपटॉप है वही? नहीं, अभी जो लैपटॉप है वो तो मेरा एक सेकंड, पहले प्राइमरी था लेकिन अब सेकेंडरी हो गया है, मैंने एक डेस्कटॉप पीसी ले रखा है HP का, अच्छा, और काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन है, तो मोस्टली एडिटिंग उसी पे करते हैं, लेकिन टेम्पररी काम चलाने के लिए लैपटॉप भी रखते हैं साथ में। जैसे ये वीडियो भी अभी S7H के फ्रंट कैमरा से हो रही है बिल्कुल फुल HD में, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सडनली आ गया था मिलने के लिए। बिल्कुल, ऐसा ना, कैमरा बहुत जबरदस्त है, एसेट का भी बहुत जबरदस्त है, सैमसंग के कैमरा के तो कोई टक्कर ले नहीं सकता, मतलब एसेट का S7 से बेटर है? बिल्कुल बिल्कुल बेटर है। अच्छा, बिल्कुल। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हमारे कमेंट्स में भी आता है, आपके भी आता होगा, कि ब्रांड से हम प्रोडक्ट्स कैसे मंगाएं। आई नो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जाता है और शायद आप कभी आंसर नहीं करते हैं कमेंट्स में भी, अच्छा, क्योंकि हाँ, बार बार कमेंट्स रिपीटेड में आंसर क्वेश्चन नहीं है। करता हूँ, लेकिन ना बहुत बार मैंने बताया है कि ब्रांड से रिव्यू कैसे मिलते। देखो, मैं 1000 बार बोलता हूँ कि ब्रांड को आपसे, आपकी शक्ल से, आपके चैनल से कोई मतलब नहीं है, ब्रांड को सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉलोइंग से मतलब है, आपकी रीच कितने हैं, आपके सब्सक्राइब कितने हैं, आपकी वीडियोज कितने लोग देखते हैं, व्यूज कितने आते हैं, लाइक कितने आते हैं। तो अगर आप मेरी तरह बोलते हो, चाहे आप कैरी मिनाती की तरह बोलते हो, कोई मतलब नहीं पड़ता उनको, अच्छा, तो बस कितनी फॉलोइंग है। अगर कैरी मिनाती बोल रहे ना कल को कि हाँ मुझे रिव्यू करना है, दे तो उसको दे देंगे, चाहे तू गाने निकाल, तोड़ फोड़ कुछ मर्जी कर, दे देंगे उसको, सिर्फ रीच से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो आप रीच बनाओ अपनी, उसके बाद आप ब्रांड भागे भागे आएंगे आपके पास, तो पहले काम करो, अपना बस चैनल की कर्म स्टैंडिंग करो, बनाओ। फल मिलेगा अपने आप। मेरा वो टाइम था कि जब मैं खुद फोन खरीदता था, सैमसंग से इतने कांटेक्ट करते हम, कुछ नहीं होता था, लेकिन आज देखो सैमसंग आगे आगे और हम पीछे पीछे, वो वाली बट बात। अगर हम देखें, हम एक स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल का नहीं बात करते हैं, हम कहते हैं जो 10,000 या 20,000 सब्सक्राइबर्स पे हैं, कुछ वो काम कर रहे हैं तभी वो वहां तक पहुंचे हैं, बिल्कुल तो उनके लिए शायद उनके पास PR कॉन्टेक्ट नहीं है, शायद उनको पता नहीं है कि कैसे ये करना है, उनके लिए कोई टिप्स होंगे आपके पास? उनके लिए यही है कि आप फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, वहां पे आपको दुनिया भर के PR कॉन्टेक्ट मिलेंगे। आप अच्छा, सर्च ही सिर्फ ये करो कि PR कॉन्टेक्ट, आपको बहुत सारे मिलेंगे। उन बंदों के कनेक्शन में जाओ, अपना ईमेल ही डाल दो, उनसे रिव्यू यूनिट मत मांगो। आप ओके, अगर आप बेशर्म बन जाओगे ना, रिव्यू यूनिट कभी भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। आप सिर्फ उनको बोलो कि मेरा ये पब्लिकेशन है, मेरा ईमेल आईडी आप लिस्ट में डाल लो, बस खत्म। आपको इनवाइट आएगा तो आप चले जाओ वहां पे, आपको कुछ नहीं देंगे, वो कार्ड ही नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, आप जाओ इवेंट अटेंड करो, हैंड्स ऑन बनाओ, आ जाओ। धीरे अच्छा धीरे शुरुआत करो अपनी। अगर आप बोलोगे ना मेरे 10 सब्सक्राइबर हैं, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को वो चाहिए, कोई नहीं देने वाला, लात मार के भगा और देंगे। एक केस हुआ भी हमारे एक फेमस यूट्यूबर के साथ में, जो अपने आप को बहुत 30 मार का समझता है, ठीक है, आज वो 2.5-3 लाख, 2.5 लाख पे पहुंच गया शायद, लेकिन अपने आप को यूट्यूबर कहता था, तो बड़ी झाड़ बड़ी थी उसको PR कंपनी से। तो आप पोलाइटली बात करो उनको, बोलो कि मैं काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ,
आप मुझे हेल्प करो, बस अपना इसमें डाल दो ताकि प्रेस रिलीज मिल जाएगी आपको, तो अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, उसके बारे में वीडियो बना सकते हो टेक न्यूज टाइप की। सीधे बोलोगे ना मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को यूट्यूब यूनिट चाहिए, घंटा ही कोई कुछ देने वाला, भूल जाओ। मुझे भी नहीं देते थे, मुझे भी नहीं देते थे, सही बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 2 साल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक नहीं पता था हमें, तो आई थिंक हम सब ट्राई करते हैं कि पहला ईमेल लिखते हैं कि हाँ मैं इतना मेरे को मैं भी ये गलती करता था, कोई नहीं देता था, कोई भी नहीं देता। तो गाइज एंड गर्ल्स, रात के 11:30 बज गए हैं और शर्मा जी सारा दिन ट्रैवल करके और काफी काम करके बहुत थक चुके हैं अभी तक, तो इन्होंने इतना टाइम दे दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इनका कि मुझे इतनी लेट ये मिल सके और अपने रूम में बुलाया और एज अ फ्रेंड बात की ये, और एक छोटा सा इंटरव्यू हो गया हमारा। तो अगर और कोई क्वेश्चंस हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं इनसे फोन पे बात करके, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा जो सिर्फ ये आंसर कर सके तो मैं इनसे पूछ के आपका रिप्लाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शर्मा जी टेक्निकल के तो आप सब्सक्राइबर होंगे ही, कोई चांस नहीं है, बिल्कुल जी तो बिल्कुल, मुझे भी कर लीजिए और लाइक भी दबा दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई। शर्मा जी लास्ट थॉट्स कोई? बस लास्ट थॉट यही है कि जब आप लोगों से मिलता हूँ और मैं बात करता हूँ, फीडबैक मिलता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। सारी जो दिन की थकान होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है, अभी सिर्फ नींद आ रही है, लेकिन मन में थकान नहीं है कि यार मैं थक गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल फ्रेशनेस चीज़ एकदम आ गई है। बस आप इसी तरह से जो है वो यूट्यूब की वीडियोज देखते रहो, अपना प्यार बनाए रखो हमारे साथ में, जयदीप के साथ में, योर टेक टुडे के साथ में, और हम आपको मिलते रहेंगे इसी तरह से हमारे चैनल पे और जयदीप के चैनल पे। ठीक है जी, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बन रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय। So guys, I'm leaving this beautiful hotel now and just said bye to Sharma ji and we'll be going driving back home and I hope you like this video and if you have any more questions, leave it in the comment section below. I'll answer it as soon as possible and hit that bell icon also if you always want to get notified whenever I upload such videos. Thanks for watching again. Take care. Bye bye. सोचा नहीं कर ले, सारा कुछ है सोची पूछ ना ले। दी, जहाँ भी लोग सोचते कहाँ इतना जो मन में है, खटैक खटैक प्रॉब्लम ये मैं और बैंगलोर ठोको अब मैं ये सब रख भी नहीं सकता, ठोको ताली ठोको, अरे लाइक ठोको, नीचे सब्सक्राइब ठोक दो, पहले सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब ठोकिए। ठोको योर टेक टुडे, हाँ साढ़े पंजाबी कहते सानू पंजाबी च वीडियो दिया करो, तो तुसी पंजाबी च वीडियो देवो ना, मेरी मतलब पंजाबी बहुत साढ़ा अच्छी है। पंजाब वेट करता रहता है कि शर्मा जी तुसी कदों पंजाबी बोलणगे, ते अज सत अज शर्मा जी पंजाबी च गल करन गए हैं, आते नहीं आए थे लेकिन टूटी फूटी काम चला लेते हैं। लगता है शर्मा जी पंजाबी चैनल भी खोलने वाले हैं अभी तो।